नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। नाम दसो की तुहाडा? अरपिंदर सिंह। अरपिंदर सिंह, एड्रेस बता दो पूरा। पीपीओ बाम सील मलोट डिस्ट्रिक्ट श्री मुक्तसर साहब। मुक्तसर साहब, यही लोकल के हो क्या जी? तो आप कितने घोड़े लेके आए हो? मेरे पास तीन घोड़े हैं। तीन घोड़े, अभी लेके कितने आए हो? अभी तीन लाए हैं। तीन जी। तो यहाँ पर तो दो ही दिख रहे मेरे को, एक वो बच्चा खड़ा हुआ है। वो बच्चा जी। तो ये आपका सबसे बड़ा घोड़ा कौन सा है? बड़ा यही है घोड़ा। कितनी उम्र है? ये 5 साल का है। और हाइट? हाइट 64। 64 हाइट है और 5 साल का है जी। इसके बारे में बताओ कुछ। 9 टाइम चैंपियन है। 9 टाइम चैंपियन, 2014-2015 में ऑल इंडिया चैंपियन है। ये ऑल इंडिया जो चैंपियन होता है ये कहाँ पे बनता है? ये मुक्सर में हुआ था। मुक्सर में ही जी। ये पुष्कर में भी होता है जो कंपटीशन, उसमें भी बता दिया ऑल इंडिया चैंपियन बनता है? पुष्कर में नहीं, हम जाते नहीं। जाते नहीं? जाते। हनुमानगढ़ में फर्स्ट आया हुआ। हनुमानगढ़ जो राजस्थान में है? हाँ, वो फर्स्ट आया हुआ। उसमें ये फर्स्ट आया जी। तो जो ये जो थे फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसका कोई प्राइज मिलता है या बस ट्रॉफी मिलती खाली, सर्टिफिकेट जी? प्राइज भी होता है। प्राइज भी होता है जी। तो इसको शो वगैरह में उतारते हैं आप? खूब जी उतारते हैं, अभी भी उतारते हैं। ये शो वगैरह में कई बार देखा जाता है धांधलेबाजी बहुत होती है। मेरा घोड़ा, जो बंदा हार जाता बोलता मेरा घोड़ा बेस्ट था, मेरे को नहीं जिताया गया, उसको क्यों जिता दिया गया, मेरे में क्या कमी थी? इसमें आप विश्वास रखते हो? नहीं, कमी तो होती है, हर एक में कमी होती है। तो इतने जज होते हैं, जो सही है वही निकालते हैं फर्स्ट। लेकिन जो जज जो डिसीजन लेते हैं आप बिल्कुल सहमत होते हैं उससे? सहमत होते हैं। कभी जैसे किसी और का घोड़ा जीत गया हो, आपके ने दूसरा नंबर लिया कभी? नहीं, एक बार आया है ऑल इंडिया में, इसकी लगाम टूट गई थी। अच्छा। तब इसका सेकंड था 2016 में। जो जज होते हैं वो किस आधार पर इनको विजेता घोषित करते हैं? इसकी सुंदरता, मारवाड़ी की सुंदरता जी, मारवाड़ी की सुंदरता। कान देखते हैं, हाइट देखते हैं, गर्दन। जो कान का जो साइज होता है वो मायने रखता है जी? रखता मायने जी। अब जैसे कान किस घोड़े के छोटे कैसे हो सकते हैं, इससे कुछ आपको अंदाजा है? जैसे ये देखो कुंडी है इसके कान की, ये देखो। हाँ। कुंडी चाहिए मालवाड़ी में। कितनी कुंडी जो है, एक तो बिल्कुल मिल जाती है आपस में, क्रॉस हो जाती है जी, उससे पहचान होगी जो ऊपर ऐसे निकलती है। हाँ। उसे नहीं मालवाड़ी कहते, जो ऐसे टच होनी चाहिए, टच हो जाती है, उसको मारवाड़ी कहते हैं जी। और ये प्योर मारवाड़ी है जी, इसका जो है रजिस्टर्ड है मालवाड़ी। एडजस्टेड मतलब इसके चिप डाली हुई है। अच्छा। यहाँ पर ये सरकार के तरफ से मारवाड़ी रजिस्टर्ड है, तरफ से मारवाड़ी रजिस्टर्ड है जी। तो इसका जो बाप है उसका कुछ क्या है आता पता कुछ? लाइन आलीशान की, आलीशान रोहित। मदर इसकी है रत्नाकर की। रत्नाकर लाइन। 5 कल्याण थी इसकी मदर। 5 कल्याण आप रोड वाले आलीशान का बच्चा है। तो इसके सिर्फ जो निशान है सफेद माथे पे जी, यही निशान है सफेद, कहीं नहीं यही है और कहीं नहीं, कहीं नहीं। इसकी खासियत है ये रेविया चाल चलता है 34 स्पीड पे। रेवल जी, रेवल चाल चलता है ये जी। तो इसको सवारी कौन करता है? हम खुद करते हैं। खुद करते हो जी। कितना टाइम हो गया सवारी करते हुए? 2 साल हो गए। एक जो परफेक्ट घोड़ा होता है उसका कितना समय होता है उसके ऊपर बैठने के लिए? जैसे कोई 2.5 साल के पे बैठ जाता है, कोई 3 साल के पे बैठ जाता है। खुराक चाहिए उसको, क्या डालते हैं? ये जो बैठने से ना कम उम्र में तो कमर झील में चली जाती है? नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। ये मिथ है। वो खुरनी जो होती है ना, खुरनी वो ज्यादा बड़ी हो, ऊंची हो। हाँ। तब होता है, जब होता है जी। तो इसको आप किस लिए लेके आए मेले में? दिखाने के लिए। दिखाने के लिए? ये नॉट फॉर सेल है? नो। कभी कोई इरादा है बेचने का? नहीं, नहीं, कोई डिमांड नहीं इसकी? नो। और ये इसका 30 लाख लग चुका है। 30 लाख इसकी जो है बोली लग चुकी है तमिलनाडु, तमिलनाडु साउथ में। ये मारवाड़ी घोड़े साउथ में बहुत ज्यादा डिमांड है, तमिलनाडु में जा रहा था 30 लाख का। खासकर काले घोड़े और कुंभैत रंग के जो घोड़े होते हैं वो तमिलनाडु में डिमांड होती है। और इससे जो घोड़ी वगैरह भरवाते हो उसकी 11,000 फीस है। क्रॉस मीटिंग करवाते हो जी? 11,000। कितनी घोड़ियाँ क्रॉस हो चुकी है लगभग इसकी? 211। 211 घोड़ी। कोई रिजल्ट? रिजल्ट आ चुका है। कोई बच्चा ऐसा फेमस हुआ जिसके रिजल्ट का? इसका मोहाली में है, नए गाँव में। कहाँ पे बच्चा? मोहाली। मोहाली ये नए गाँव चंडीगढ़ के पास। चंडीगढ़ के पास मोहाली जी। कोई वो 64 हाइट कर गया? 64 जी। अभी 3 साल का है वो? अभी वो 3 साल का है। 3 साल का है। ठीक है जी, बहुत अच्छा। वो भी चैंपियन है ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया पटियाला में। पटियाला जी। कब लगता है पटियाला वाला शो? इस बार तो चप्पड़चिड़ी में लग रहा है। कब, किस डेट को? 1 फरवरी। 1 फरवरी से लेके 5 फरवरी तक। तो सिर्फ मेला लगेगा या शो लगेगा? शो सिर्फ घोड़ों का। घोड़ों का, ठीक
ठीक है जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा घोड़ा है। और कोई जा रहा है इस बार चप्पड़चिड़ी में भी? दोनों घोड़े जा रहे हैं। दोनों घोड़े जी हनुमानगढ़ में भी जा रहे हैं। हनुमानगढ़ में वो नुकरा नुकरा है, आइए इसके पास आइए। इसका नाम वगैरह? इसका नाम मोती। मोती जी, 2 साल इसकी एज है। 2 साल एज है जी। इसकी 2 साल हाइट? हाइट 61। 61 जी। अभी इसका मतलब और बढ़ेगा? बढ़ेगा, 5 साल तक बढ़ता है ना। 5 साल घोड़ा 5 साल तक बढ़ता है। अगर तक उससे मतलब 2.5 साल से 3 साल से घोड़ी क्रॉस करने लग जाते हैं जी, तो घोड़ी पे छोड़ने के बाद घोड़ा आइटे निकालनी बंद करता है या निकालता? नहीं, निकालता है घोड़ा। निकालता है। फीड चाहिए ना उसको, फीड क्या डालते हैं? अच्छा दाना चाहिए उसको। अच्छा दाना चाहिए, अच्छी घुमाई फिराई चाहिए जी। ठीक है, वैसे घुमाई फिराई से कोई फर्क पड़ता है हाइट पे? हाइट पड़ता है जी। और ये जो बताते हैं नीचे जो पैर होता है हाइट का, पैर से पता चलता है? पैर से कहाँ से पता चलता है? ये देखिए, ये जो गट्टा है इसका जी, ऐसे पता चलता है। ये जो बचपन के समय से ले गए जी और अब तक सेम रहता है, जितनी बड़ी होगी ये हाँ उतनी बड़ी हाइट करेगा। ठीक है, उतनी बड़ी हाइट करेगा जी। और क्या कुछ खासियत इसकी? खासियत इसके ब्लैक स्पॉट नहीं है, ये प्योर है जी। प्योर नुकरा। ये भी ऑल इंडिया में पिछले साल पटियाला में सेकंड रनर अप था। पटियाला में सेकंड? मुक्सर में फर्स्ट था 2017 में। हाँ 2017 मुक्सर में फर्स्ट चैंपियन था ये जी। और कोई शो जीता हो? सुंदर है घोड़ा, अच्छा है, लाइन का सूर्य वाला लाइन का है। सूर्य वाले लाइन? हाँ। ये कहाँ की लाइन? ये राजस्थान में है सूर्य वाला। राजस्थान जी, बहुत फेमस घोड़ा था उसका, उसके तो बेटे का बेटा है, उसका पोता है जी। तो आगे कोई शो में उतारने का इसका मकसद कुछ? जी उतारेंगे इस बार चप्पड़चिड़ी में उतारेंगे और अपना हनुमानगढ़ में भी। हनुमानगढ़ में जी? तो हनुमानगढ़ में जो राजस्थान में जो पड़ता है और चप्पड़चिड़ी, तो इसका और कुछ जो है घोड़ी वगैरह क्रॉसिंग? घोड़ी हमने इससे 5 घोड़ी क्रॉस कराई है। 5 घोड़ी जी। तो अपना भी घर पे कोई घोड़ी करवाते हो इनसे क्रॉस? जी करवाते हैं। करवाते हो जी? अच्छा, ये शांत स्वभाव का जी। संभालता कौन है आपके घोड़ों को? हम खुद संभालते हैं, खुद ही संभालते हैं। हर घोड़े पे एक कैमरा लगा हुआ है। हर घोड़े पे कैमरा जी। तो जो छत है आपकी कितनी ऊंची है? कई बार घोड़े की गर्दन जो पहुंच जाती है, अगर नीचे चीज हो तो वो खाड़ सकता है। कैमरा बहुत बहुत ज्यादा ऊपर है। फार्म है पूरा? फार्म है। हर घोड़े पर कैमरा लगा हुआ है, पानी की डिग्गी बनी हुई है। इसकी कोई कीमत वगैरह लगाई? नहीं, इसको नहीं बेची। इसकी अभी नॉट फॉर सेल है? नो। कभी किसी ने कोई कीमत लगाई है? लगाई है। कितनी कीमत? 3 लाख। 3 लाख अभी लगाई है? इस मेले में लगी है। इसी मेले में लगी है। आपका कोई इरादा इसे बेचने का? नहीं, नहीं, नहीं बेचे। तो इसको आपको घर पे रखोगे या? जी घर पे ही रखेंगे। ब्रीडिंग वास्ते जी, इसे ब्रीडिंग कराओगे? चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।